ये भी नहीं कर सकते, हम मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते, कहीं का प्रमाण इनके पास है? मूर्ति पूजा हमने नहीं करनी, कहीं प्रमाण है इनके पास? आप लोग बताइए, मूर्ति पूजा नहीं करनी इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ बताइए, आप बताइए। जी हाँ, मूर्ति पूजा के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड नवा स्कंद और अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 38 से 42 में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया, और उसी के साथ साथ गरुण पुराण के धर्मकांड प्रेत कल्प के अध्याय नंबर 38 और श्लोक नंबर 11 में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। जैसे कि मूर्ति पूजा का खंडन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक 21 से 22 में भी बोला गया है, मूर्ति पूजा के लिए साफ मना किया गया है। जैसे कि हमने इतने सारे प्रमाण इन लोगों को दिए, मगर ये लोग हमें उसके अपोजिट में एक भी चीज नहीं बता पाए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक है, और ये सब लोग जो है वो झूठे हैं। वेदा गीता के रस्ते पर आओ, उपनिषद के रस्ते पर आओ, कुरान हदीस के रस्ते पर आओ, सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति में रहती, श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते एक मूर्ति में रहती भारत में, एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। कुरान और वेदा का और गीता का हुक्म है सारे संसार के एक ईश्वर की पूजा की जाए, ना कि संसार में पैदा हुई सब चीजों की। कुरान में चैप्टर 1:4 है, या का नाबुदु व या का नस्तईन वे, और गीता के अंदर चैप्टर 7:20 में श्री कृष्ण कहते हैं एक भगवान ईश्वर की पूजा हो, दूसरों की ना हो। जो भी पूजा करे श्री राम श्री कृष्ण वेदा गीता बोले, मूर्ति पूजा करे तो सीधा नर्क में जाते। न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की मूर्ति नहीं बना सकते, यजुर्वेद बोलता। मूर्ति की पूजा से नर्क है, वेद और श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा मत बनाओ, उसको पूजो मत, वरना नर्क में जाओगे। भगवत गीता चैप्टर 7:20, यजुर्वेद चैप्टर 32:3। तो भाई धार्मिक किताब पढ़िए, थोड़ा सा रोशनी आएगी दिमाग में। सबका मालिक ईश्वर अल्लाह एक है, उसका आकार बना के पूजा नहीं कर सकते। एकम विदित्यम, संभूति की पूजा ना करो। तो पहले आप सीखिए धार्मिक किताब से, दुनिया में आखिरत में शांति मिलेगी। ये देखिए श्रिया, कुरान मजीद का पहला चैप्टर सूरह फातिहा वर्स नंबर 4 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, ए एक ईश्वर अल्लाह, हम आप ही की पूजा करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। भगवत गीता चैप्टर 7:20 पढ़ेंगे, लिखा है श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करेगा, नर्क में जाएगा। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, ऋग्वेद कहते हैं सबका ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, उसी की पूजा करो। तो हम कहते हैं वेदा गीता और कुरान एक ईश्वर अल्लाह की पूजा का हुक्म देते हैं, पैदा हुई सो चीजों की पूजा करें तो नर्क में जाएंगे, इसीलिए हम पैदा हुई सो चीज की पूजा नहीं कर सकते।